नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि है CCE, मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवेल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके जो सीटेट का एग्जाम जो रन कर रहा है हर सेक्शन में ये वेटेज रखता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइकोलॉजी और EVS में इससे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि आप लोगों को के साथ डिस्कस किया जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज लेके आया हूँ दोस्तों। तो CCE का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन। इसके अंदर दो टर्म्स आते हैं, एक तो होता है असेसमेंट को बोलते हैं आकलन करना, और दूसरा हो गया आपका एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। एक टर्म और होता है SBA। SBA को हम आगे डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम बताते हैं कि SBA क्या होता है। SBA होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक बात क्या आती है कि जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे क्या बाहर के लोग जज करते हैं बच्चे को, लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, स्कूल में ही स्कूल के शिक्षक के द्वारा ही बच्चे का जो मूल्यांकन है या ऑब्जर्वेशन है किया जाए, इसको बोलते हैं SBA। अब इनमें टर्म्स है मेजरमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेके आना, क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेके आना, मतलब जिसको हम मेजर कर सकें। मेजरमेंट मतलब अभी हमने कहा कि ये दूध कितना है, तो आप दूध को क्या करोगे, लीटर से गिनोगे ना कि कितने लीटर है, या कहेंगे इस बच्चे की हाइट निकाल, तो फीता का इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरमेंट मतलब वो चीज़ होती है जो हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमको दिखाई पड़ती है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। फिर एक आ गया आपका असेसमेंट। असेसमेंट क्या चीज़ होती है, असेसमेंट वो चीज़ होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट के अंदर क्या होता है, असेसमेंट में बताया मैंने क्या होता है, आकलन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है बच्चे के अंदर कहाँ पे दिक्कत आ रही, बच्चे के अंदर जो समस्या आ रही है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो जैसे पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई को हम और अच्छा कैसे बेहतर कर पाएंगे, किस अच्छी तरह से हम उसको कैसे समझा पाएंगे। तो इस असेसमेंट के अंदर क्या होती है, सारी चीज़ों को परखा जाता है, किसी चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, उसको फिर देखा जाता है, उसका डाटा जो बच्चे का डाटा है अब तक जो निकल गया है उसके बेस पे बच्चे को जज करते हैं और बच्चे को बताएंगे अब हम उस बच्चे को किस दिशा में लेके जाएंगे, किस तरह उस बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। तो मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, और आकलन के अंदर क्या होता है, डाटा कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये दो टर्म्स थे, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको तीसरा टर्म समझाता हूँ, जो तीसरा टर्म्स आपका वो है एवोल्यूशन। तो दोस्तों अब अगला टर्म है आपका एवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं मूल्यांकन। इसका पहले इसकी समझते हैं फिर आपको समझाते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। ये क्या करता है, जजमेंट को पास करता है। एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन क्या है, जजमेंट को पास करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड क्या होता है, आपने देखा होगा आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें 33% कर दिया था कि अगर बच्चा 33% लेके आएगा तो पास है, 33% से कम लेके आएगा तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड के बेस पे बच्चे को जजमेंट किया जाता है। हेंस इट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है, प्रोसेस डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो आपका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में क्या होता है, एक बच्चे का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया लिया जाता है जिस बेस पे बच्चे को पास या फेल किया जाता है। आपने देखा होगा जब अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया 33% में बच्चा पास होगा या फेल होगा, अगर 33% आया तो बच्चा पास है, 33 से कम है तो फेल हो गया, या 33 के ऊपर है तो पास हो गया। तो उसमें क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेजर कर दिया जाता है कि इतने पे ही बच्चा पास है, इतने पे बच्चा फेल है, या इसके ऊपर तो पास है, जो भी है कहानी टच। तो इसका मतलब होता है एवोल्यूशन। तो मैंने अभी तीन वर्ड समझे, एक आपका मेजरमेंट समझा। मेजरमेंट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमको जो चीज़ दिखाई पड़ती है, जो मतलब जिसको हम तौल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो होता है आपका मेजरमेंट। और दूसरा मैंने समझा था अभी असेसमेंट, जिसमें बच्चों का आकलन किया जाता है। आकलन कैसे करते हैं, किसी चीज़ का डाटा को लेके उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस बेस पे बच्चे को जज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका असेसमेंट। और आपका एवोल्यूशन क्या हो गया, अब वो सब दोनों प्रोसेस को, उन दोनों प्रोसेस को हमने जोड़ के बच्चे का निकाला या एवोल्यूशन निकाला, मतलब अब बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, बच्चा किस लेवल का बच्चा है और उसको कितने पे पास करना और कितने पे फेल करना बच्चे को, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आपका जो ये गोला है, ये गोला आपका क्या है, गोला आपका मूल्यांकन है, एवोल्यूशन है, और इसके अंदर ही दो चीज आती हैं। अभी मैंने क्या बताया है, एक मैंने आपको समझाया है असेसमेंट, आप शॉर्टकट में लिखो ना, एम मतलब मेजरमेंट हो गया, और दूसरा असेसमेंट, ये एवोल्यूशन का ही पार्ट है, मेजरमेंट और एवोल्यूशन आपका है दोस्तों। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और ये हम आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट।
फॉर्मेटिव क्या होता है और समेटिव क्या होता है इसके बाद चर्चा करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होते हैं जब ड्यूरिंग द क्लास, जब आपकी क्लास चल रही होती है उस वक्त ही बच्चे को जज किया जाता है कि बच्चा क्या चीज़ समझ रहा है, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहा, उसको क्या दिक्कत आ रही है, और तुरंत की तुरंत उसको फीडबैक दिया जाता है। उसमें तुरंत का तुरंत फीडबैक दिया जाता है बच्चे को। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, तुरंत के तुरंत उसका फीडबैक दिया जाता है कि बच्चा यहाँ पे गलती कर रहा है तो उसको सुधार करना होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये आपका पूरे साल का जब फाइनल, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसी तरह आपका समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, बच्चे ने सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर ली और फाइनल उसका एक रिजल्ट पेपर लेंगे, फाइनल पेपर लेंगे, उसके बेस पे बच्चे को जज करेंगे, तो उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्टेंट तुरंत का तुरंत बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। इसमें फॉर्मेटिव में और समेटिव में एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या चीज होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अधिकम के लिए, अधिकम के लिए, फॉर मतलब होता है के, अधिकम के लिए, अधिकम के लिए, ये किसका पार्ट होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। कैसे होता है आप समझो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे कि अभी मैं आप लोगों से आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और इसी बीच आप लोग हमसे कुछ पूछते हो, ठीक है, और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, आप कहाँ नहीं आंसर दे पा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत का तुरंत आपको फीडबैक दूंगा कि बेटा आप चीज़ ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मैं फिर से समझा दूंगा, तुरंत का तुरंत समझाऊंगा। तो ये आप कहोगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब जो चीज़ फ्लो में चल रही होती है उसी टाइम जो कोर्स ऑफ एक्शन जो भी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके सीटेट में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पूछा जाता है, एक शिक्षक है क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है, उसी पे बच्चों से पूछती है कि कोई प्रश्न पूछती है, बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता है, तो टीचर बोलती है बेटा आप लगता है मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, वो फीडबैक देती है, तो बच्चा बोलेगा यस मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो टीचर क्या की तुरंत बच्चों को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी, तो वो उस वक्त क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा होता है, तो ये बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तुरंत का तुरंत बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, बच्चे के अंदर सुधार किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर आगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, मान लो कि अभी मैंने ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और अब मैं इसको अब जब आप लोग बाद में देखोगे तो शायद मैं लाइव ना हूँ और आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका समेटिव असेसमेंट का पार्ट हो गया, मतलब बाद में जब मेरा लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद में आप लोग उसको देखते हैं, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं आप लोगों के डाउट्स नहीं ले पाऊंगा जल्दी की जल्दी, ठीक है, तो ये आपका समेटिव असेसमेंट हो गया। ये मतलब क्या होगा, ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया उसके बाद आप लोग क्या करते हो वो आपकी कहानी है, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट हो गया। तीसरा हो गया असेसमेंट एस लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग क्या होता है, बच्चा जब कोई चीज़ को समझ चुका होता है, जान चुका होता है और उसमें कुछ और नया ज्ञान को ऐड करता है, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। जैसे मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रही थी इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ा रही थी, आज गणतंत्र दिवस के बारे में कोई बताई, बच्चों को पहले से पता और टीचर और कुछ पढ़ा रही है या बच्चा अपना नॉलेज ऐड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद का असेसमेंट कराता है, खुद को जानना होता है कि जैसे कि उसको मालूम है कि 15 अगस्त के बारे में और टीचर्स को और पढ़ा रही है, तो बच्चा अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप का आकलन कर रहा है, हाँ मुझे आता है, मुझे आता है, हाँ टीचर बता रही मुझे आता है, तो ठीक है सेल्फ असेसमेंट हो गया। तो आई होप ये तीनों बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये जब इंस्ट्रक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा होता है तुरंत का तुरंत बच्चों को फीडबैक दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर जो आपको आपका जो फाइनल पेपर होता है उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। तीन होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग। इन तीनों में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें से नहीं पूछा जाएगा, इसमें और इसमें से आपका पेपर पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग किसका पार्ट है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसका पार्ट है, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और असेसमेंट एस लर्निंग क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, खुद का असेसमेंट होता है, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर क्या चीज आएगी, जब हम आपको लेक्चर ले रहे हैं उसी बीच आपको बता रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, आपको हम कैसे समझाएंगे। सपोज करो कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे तुरंत बोलोगे सर मुझे समझ नहीं आ रहा आपका पढ़ाई हुआ, आप दूसरे तरीके से फॉर्मूले को समझाइए तो बच्चे को समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद आखिरी चरण में उसका फाइनल रिजल्ट लेकर दूसरे क्लास में उसको रिजल्ट लिया जाता है, देखा जाता है बच्चा पास या फेल, उसके अकॉर्डिंग उसको दूसरे क्लास में भेजा जाता है। और तीसरा वाला असेसमेंट एस लर्निंग, खुद को बच्चा जानने की कोशिश करता है कितने पानी में है, कितने क्या है, टीचर मुझे पढ़ा रही है मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे जो नॉलेज था उसमें और नॉलेज ऐड करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों। और हाँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।
आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, असेसमेंट और एवलुएशन के बीच में, आकलन और मूल्यांकन के बीच में फर्क क्या है दोनों के बीच में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जानते हैं असेसमेंट क्या है, मतलब आकलन क्या है। प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ये क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था, तुरंत ये आपको क्या करता है, फीडबैक देता है और उस बेस पे देखता है कि आपके अंदर क्या कमी है, तुरंत आपको आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, जैसे कि मान लो कि बच्चा है पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है उसको इस फॉर्मूले से समझ नहीं आता हो रहा, तो उसको दूसरे फॉर्मूले से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे को समझ आनी चाहिए। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। और एवोल्यूशन क्या चीज होती है, डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट टू विच ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड, इसमें क्या होता है कि भैया हमको साल के आखिरी समय में क्या है कि बच्चे का पेपर लेना है और फाइनल पेपर लेना है, और बच्चे को उस बेस पे देखेंगे बच्चा पास या फेल है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आगे क्लास में प्रमोट करेंगे या भेजेंगे, ठीक है। इसी बात डायग्नोस भी नहीं चाहिए, ये क्या होता है, ये बच्चे को तुरंत डायग्नोस करता है कौन, या असेसमेंट, जैसे कि जब कोई भी बंदा डॉक्टर के पास जाता है कि सर बताता है डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करता है उसको देखता है, फिर उसके टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट रहेंगे लिखेगा, उसको डायग्नोस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको दवा देगा, रेमेडी देगा, ठीक है। तो तुरंत इसमें क्या होता है, बच्चे को उपचार दिया जाता है, बच्चे को देखा जाता है बच्चे अंदर क्या दिक्कत है। एवोल्यूशन क्या होता है, जजमेंटल नेचर, ये इसको छोड़ जाता है कि अब नेचर के ऊपर छोड़ने, जजमेंट, ये जजमेंटल होता है, जब आखिरी साल जब उसका फाइनल रिजल्ट देखा, जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें देखा जाएगा बच्चा कैसा क्या चल रहा है, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है ये प्रोसेस ओरिएंट होता है, प्रोसेस ओरिएंट क्या होता है कि जब क्लास में लेक्चर लिया जा रहा उसी समय ये कार्य किया जाता है, और साथ के साथ ये किसका पार्ट होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें क्या होता है बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वही इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया, और वो पास या फेल है जो भी है अलग बात है, और ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव असेसमेंट में बताया ये एंड ऑफ द ईयर आपका क्या होता है, इसका पेपर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जज किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जो भी ले लीजिए आपको। तो दोस्तों अभी हमने आपसे चर्चा की थी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल के बारे में, आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या है, इसलिए मैंने अभी उसे मैं आपको छोटे शब्द में समझाया था, अब थोड़ा डिटेल में लिखा है उसको समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। द डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द ईच यूनिट और टर्म्स, कहने का मतलब क्या है, बच्चे को यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक में क्या है, बच्चे का जो यूनिट टेस्ट होता है आप जानते होंगे, जैसे एक टर्म होता है, एक टर्म जो बच्चों को मेरे ख्याल से तीन टर्म्स में आजकल बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है, तो जब एक टर्म उसका खत्म हो जाता है तो उसके यूनिट टेस्ट चलते हैं, या हर महीने में यूनिट टेस्ट चलते हैं कि इतना सिलेबस हो गया, एंड ऑफ द मंथ आपको टेस्ट लेना है, बच्चे को यूनिट टेस्ट लेना है, जिसके बेच में बच्चों को देखा जाता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ईच यूनिट टेस्ट, इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक में क्या है, बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे को जब पूरे महीने में जो पढ़ाया गया उसके महीने के दो या तीन आखिरी, मतलब जो आखिरी समय होता है महीने का, उसमें बच्चे का टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा किस जगह पे खड़ा है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही, क्या चीज़ नहीं समझ पा रहा है, क्या मतलब सब एक पर्टिकुलर चैप्टर है या उसका टेस्ट लिया गया, बच्चे को क्या क्यों नहीं समझ आ रहा है, हम पढ़ा तो पूरे महीने रहे लेकिन जब टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चा कुछ नहीं लिख पा रहा है, तो इसमें बच्चे को डायग्नोस किया जाता है, बच्चे को देखा जाता है बच्चे के अंदर कमी कहाँ आ रही है, ठीक है। फिर क्या है, द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इज सम यूनिट आर डायग्नोस्ड एंड यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब क्या होता है कि बच्चों को देखा कुछ डायग्नोस टेस्ट लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, या इस जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, अब 40 में से 40 बच्चे तो बुद्धू नहीं होंगे, हो सकता है कि दो चार बच्चे बुद्धू होंगे, तो उनका अलग से बैठा के टेस्ट लिया जाता है, उनको अलग से बैठा के टेस्ट नहीं जाता, उनको अलग से डायग्नोस किया जाता है, उनसे पूछा जाता है बेटा आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसका हम कुछ और रास्ता निकालेंगे आपको समझाने के लिए। डायग्नोस इसको ही बोलते हैं, जैसे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई दिक्कत आ गई या कोई व्यथा आ गई या कोई डिसीज आ गई, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर आपको सीधे आपको दवा लिख के नहीं देता है, आपको क्या करता है, पहले आपका मेडिकल चेकअप कराता है, आपको ब्लड निकलवाता है, एक्सरे होगा, जो भी टेस्ट होगा सब टेस्ट कराएगा, और टेस्ट के बेसिस पे देखेगा आपके अंदर क्या क्या दिक्कत है, उसी बेस पे वो आपको दवा लिखता है डॉक्टर, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे जिसमें जिन बच्चों में दिक्कत आती है उनको डायग्नोस किया जाता है अलग से, और डायग्नोस होने के बाद फिर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रेमेडी क्या होती है, मतलब दवा, एक प्रकार से बच्चों को दवा दी जाती है, रेमेडियल टीचिंग जाती है। तो रेमेडियल टीचिंग होती है, रेमेडियल टीचिंग इज एन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस,
ये रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करती है, गाइडेंस देती है, और गाइडेंस देती है बच्चों को, और जो जो मदद बनती है बच्चों को मदद दी जाती है बच्चों को उस पार्ट या उस क्लास जहाँ जहाँ पढ़ रहा है उसको समझाने के लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ गई। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, बच्चों को देखा जाता है बच्चे के अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है, और रेमेडी क्या होती है, अब उस चीज़ को हम समझ के बच्चे में दिक्कत कहाँ है जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम रेमेडी मतलब दवा देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, या जिस रास्ते जिस चीज़ से बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसको दूसरे रास्ते से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बच्चा एक फॉर्मूले से नहीं समझ पा रहा तो उसको दूसरे फॉर्मूले से बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बच्चा एक कठिन तरीके से नहीं समझ पा रहा तो उसको हम किसी उदाहरण के तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आपका रेमेडियल टीचिंग। आई होप ये बात आपको समझ पा गई होगी दोस्तों। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं अपना सीसी की, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। तो सीसी क्या है, सीसी इज इंट्रोड्यूस एज अ स्कूल बेस्ड सिस्टम। ये सीसी आपका स्कूल बेस्ड सिस्टम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया था, सीबीएसई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था, सीबीएसई के द्वारा, कब किया था, 2009 में किया गया था। अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, वो आते हैं आपके स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक आते हैं। तो अभी हम समझते हैं स्कॉलेस्टिक को, आगे हम को स्कॉलेस्टिक को समझते हैं। तो इसको हिंदी बोलते हैं शैक्षिक शैक्षिक बोलते हैं, और उसको को स्कॉलेस्टिक को बोलते हैं सह शैक्षिक बोलते हैं दोस्तों। तो जानते हैं इसके बारे में, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट इज रिलेटेड विद द करिकुलम एरिया ऑफ द एजुकेशन सच एज द डिजायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू चाइल्ड। इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि बच्चा जो क्लास में कर रहा है समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को जज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेन पेपर टेस्ट, जैसे कि बच्चे का एग्जाम लिया जाता है उसके बेस पे बच्चे को टेस्ट किया जाता है, ताकि उसका इसमें क्या होता है बच्चे को ओवरऑल नॉलेज को नहीं देखा जाता, सिर्फ बच्चे को जो पढ़ाया गया उसके बेस पे पेन पेपर टेस्ट करा दिया जाता है बच्चे का, या यूनिट टेस्ट या एग्जाम ले लिया जाता है जिसके बेस पे बच्चे को जज किया जाता है। उसको बोलते हैं स्कॉलेस्टिक पक्ष, मतलब शैक्षिक पक्ष बोलते हैं। अब चर्चा करते हैं अपना कॉस्ट स्कॉलेस्टिक। तो दूसरा आपका को स्कॉलरशिप टेस्ट, इसको सह शैक्षिक बोलते हैं। सह शैक्षिक मतलब होता है इसमें से बच्चे को उतना ही नॉलेज नहीं होता जितना कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। बच्चा हर तरह से हर चीज़ का उसको नॉलेज होता है, ठीक है। तो इसको बोले को स्कॉलरशिप सह शैक्षिक पर। ये क्या है, ये आपका बोर्ड टर्म है, वो आपका क्या था स्कॉलरशिप नैरो टर्म था या बोर्ड टर्म है, ठीक है। उसमें क्या था, बच्चे को जो आपका स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट था उसमें बच्चे को सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पे ही बच्चे को मेजर किया जाता था। यहाँ पे क्या है, बच्चे के अंदर द को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज आर को करिकुलम एक्टिविटीज दैट क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट। उसकी लाइफ स्किल देखी जाती है बच्चे की है, एटीट्यूड एंड उसके वैल्यूज देखे जाते हैं बच्चे के अंदर कैसे होते हैं, वेलनेस बच्चे के अंदर कैसी है, सर्विस एक्टिविटी बच्चे के अंदर कैसी है, साथ के साथ आर्ट एंड वर्क एजुकेशन का कैसा है। तो बच्चे को हर एरिया में बच्चों को मापा जाता है इसके अंदर स्कॉलेस्टिक के अंदर। और ये आपका क्या हुआ, ये आपका वॉर्ड टर्म हो गया, और स्कॉलिस्टिक आपका नैरो टर्म था, उसको सिर्फ पेन पेपर बेस पे बच्चों को जज किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप लोगों को एक बार में मेरा लेक्चर समझना आया तो प्लीज़ दो बार रिपीट करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं SBA। SBA क्या था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आपको। इट्स इम्बेडेड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द स्कूल। ये क्या होता है, ये स्कूल के अंदर ही किया जाता है, ताकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई बाहर का बंदा आपको जज नहीं करने आता, इसमें स्कूल के टीचर ही स्कूल के बच्चों को जज करते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल में ही इम्बेडेड होता है, ठीक है। अगली लाइन है, इट इज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ओन टीचर्स। ये क्या होता है, ये इट इज कंडक्टेड बाय स्टूडेंट्स ओन टीचर। ये क्या होता है, ये स्कूल में ही कंडक्ट किया जाता है, टीचर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात है, इन SBA ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन आर डिसाइडेड बाय द स्कूल। इसमें क्या होता है कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो स्कूल ही डिसाइड करता है, ठीक है, स्कूल ही डिसाइड करता है। सच एज टीचर्स लर्नर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट ऑफ स्कूल। इसमें क्या होता है, स्कूल के बच्चे स्कूल के टीचर और जो लोग पार्टिसिपेंट लेते हैं वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है, कब क्या करना है, कैसे करना है। तब इसका नाम पड़ा है SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें सब कुछ फुल्ली और सोली सब कुछ किसके पास मैनेज होता है, स्कूल के पास मैनेज होता है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मतलब मानक परीक्षण। मानक परीक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। मानक परीक्षण में दो प्रकार के होते हैं, एक वैलिडिटी के आधार पर होते हैं, दूसरे हमारे रिलायबिलिटी के अनुसार, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय के आधार पर होते हैं। वैलिडिटी का भी, आर टेस्ट इज सेट टू बी वैलिड इफ द टेस्ट व्हाट इट इज इंटेंड टू मेजर। कहने का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, आपने देखा होगा आप एक ट्यूबलाइट खरीदते हैं तो उसमें
लिखा होता है कि इसकी क्या उसकी वैलिडिटी कितने है, एक साल तक, एक साल के बाद ये खराब हो सकती है, एक साल से पहले खराब नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या, अविश्वसनीय है। आप कोई ब्रांड खरीदते हैं, जैसे बजाज का ब्रांड खरीदते हैं तो आपके अंदर विश्वास है कि हाँ ये खराब नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। या आपका कोई ऐसा प्रिय मित्र जो कि आपकी प्रॉब्लम के समय आपके साथ हमेशा खड़ा होता है, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी या विश्वसनीय मित्र बोलते हैं। तो रिलायबिलिटी, इफ आवर टेस्ट इज कंसिस्टेंट इन इट रिजल्ट, देन इट इज रिलायबल टेस्ट। ठीक है, तो वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का, किसी चीज़ को आप कहते हो कि इस समय तक चीज़ चलेगी तो वो चलेगी, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। रिलायबल क्या, विश्वसनीय है, जिस बेस पे वो चल रही है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं, दो और टर्म है, एनआरटी और सीआरटी। एनआरटी मतलब होता है नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है, और दूसरा आपका होता है सीआरटी, कैटेगरी रेफरेंस टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इन मैंने इनकी डिटेल नहीं लिखी क्योंकि डिटेल लिखने से मतलब नहीं है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक शहर में नहीं, एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, और आपको देखना है कि इन 40 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे कौन हैं जो टॉप करते हैं, तो आप क्या करोगे, आप कौन सा रूल अपनाओगे, नॉन रेफरेंस टेस्ट। इसमें क्या होगा, आप सिर्फ मेजर कर लोगे स्टार्ट ऊपर के 10 बच्चे, एक सॉर्ट ऑफ जैसे कि आपने टेस्ट लिया, 40 बच्चों का टेस्ट लिया, जिन बच्चे का हाईएस्ट नंबर होंगे उन 10 बच्चों के जो नंबर होंगे उनका नाम अलग लिख लोगे और बाकी सबको छोड़ दोगे। तो उसमें कैसे आप शॉर्टलिस्ट करते हो उस पॉपुलेशन से बच्चों को जो टॉप वाले बच्चों हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मतलब सीआरटी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेजर कर दिया था। जैसे मान लो कि क्या है, अगर 33% बच्चा लेके आएगा तो बच्चा पास है, और 33 से कम लेके आएगा तो फेल है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे क्लास में आपने टेस्ट लिया 40 बच्चों का, इस केस में बता रहा हूँ, सीआरटी के केस में, तो आप देखोगे अगर आपने टेस्ट लिया कितना 20 नंबर का, और अगर कह दिया कि 15 नंबर पे सारे बच्चे पास हैं, तो क्या है 15 नंबर जिन बच्चों के जितने बच्चों के नंबर आएंगे 15 नंबर आगे पीछे वो सब पास हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो टॉप पे है, लेकिन इस केस में क्या था, आप सिर्फ टॉप वाले बच्चे निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एवरेज वाले बच्चों को भी निकाल लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने कह दिया कि ठीक है कि आप 15 या 10 नंबर पे आओगे तो पास माने जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मतलब एक रूल लगा दिया, स्टैंडर्ड मेजर लगा दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर लगा दिया, जैसे यूपी बोर्ड 33% पास है, तो यहाँ किस में फॉलो होगा, ये क्राइटेरियन रेफरेंस पे होगा, और ऊपर के जो जो टॉप 10 को सिर्फ सेलेक्ट करते हो जिसमें सॉर्टिंग करके, वो एनआरटी होता है, नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है। इसलिए मैंने इनकी कहानी नहीं लिखी, सेम आप मैंने समझाने के लिए मैंने सोचा दो वर्ड लिख दूँ आपको समझा दूँ। तो अब तक जिन लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आप चर्चा कर लेते हैं, जो आपका मूल्यांकन था उसकी टेक्निक्स क्या है, जिसके बेस पे हम मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी बच्चे का या किसी भी चीज़ का। तो जो सबसे पहले हमारी टेक्निक है वो कौन सी है, ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन, किसी भी चीज़ को देख के हम उसको ऑब्जर्व या उसको देख के बता सकते हैं कि वो क्या दिक्कत आ रही है। जैसे क्लास में बच्चे 40 बच्चे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी बच्चों पर नज़र रख रहे हैं कि इस बच्चे ये बच्चे कैसी एक्टिविटी कर रहा है, या इस बच्चे को क्यों दिक्कत आ रही है पढ़ने पढ़ाने में, तो वो सब चीज़ें आती है आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके बच्चे को हम क्या करते हैं, फीडबैक देने की कोशिश करते हैं। बच्चे को रेमेडियल टीचिंग का जो आपको क्या बताया था मैंने, रेमेडियल टीचिंग दी थी कि अब बच्चे को हम देख रहे हैं क्लास में बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, सारे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख लो कि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम फिर समझा रहे हैं। अगर जिसको जिस तरह से हम पढ़ा रहे थे उस तरह उसको समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है हम उसको दूसरे तरीके या दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, तो बच्चे को चीज़ों को समझ आएंगे। तो क्या होगा, एक टेक्निक आपके मूल्यांकन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चे की क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी बात आ गई रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आप लोग सब जानते होंगे, आप लोग कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि या फिर आप बिल काउंटर पर जाते हैं तो उस पर लिख के आता है, एक क्या होता है, एक मॉनिटर आपकी तरफ लगा होता है, तो उसमें दिया था सर आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी, तो आप बोलते हो हाँ ठीक लगी, अच्छी लगी, तो बोलेंगे सर आप रेटिंग दे दीजिए, तो वहाँ 1 से लेकर 10 तक रहता है, जो 1 नंबर पर रहेगा स्माइली बना होगा, 10 नंबर पर रोता हुआ कुत्ता बना होगा, जो भी बना होगा मुंह बना होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेट करते हो 1, 2, 3, 4। ठीक है, या फिर आप अक्सर आप देखते हो सर्वे होता है, फीडबैक होता है, जिसके बेसिक पे आपको रेटिंग करना होता है, तो ये आपका रेटिंग के अंदर आता है, इस बेस पे बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरा आता है साइकोमेट्रिक या सोशियोग्राम, या आपको शायद नहीं पता होता, मैं आपको समझा देता हूँ। सोशियोमेट्रिक मतलब क्या होता है कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, अब
देखा जाता है कि इन 40 बच्चे में से सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है जो सबके साथ घुल मिल के सबके साथ रह सकता है। आप देखते हो क्लास में एक ही मॉनिटर बनता है या दो मॉनिटर बनते हैं, क्यों बनते हैं? 40 बच्चों को तो मॉनिटर नहीं बना देते, तो देखा जाता है ये बच्चा कैसे लोगों के साथ घुल मिल सकता है, सोसाइटी में रह सकता है, जिसको बोलते हैं साइकोग्राम या सोशियोमेट्रिक, जिसके आधार पर बच्चे को लीडर या कुछ बनाया जाता है, ठीक है। अगला है कॉग्निटिव रिकॉर्ड। कॉग्निटिव रिकॉर्ड वो होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, बच्चे के लिए रिलायबल होते हैं। जैसे बच्चे एक साथ, अब क्या हुआ, बच्चे को एक महीने में देखा गया, अब बच्चे के ऑथेंटिक रिकॉर्ड देखे जाते हैं, हाँ बच्चा सच में यहाँ पे कमजोरी आ रही थी, उसको क्लासीफाई किया जाता है और उस मतलब कुछ भी गलत नहीं बताया, सब कुछ सही से बताया जाता है, बच्चे के अंदर क्या दिक्कत आ गई, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिकॉर्ड। फिर आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस टू फेस होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट क्या होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, और नॉन डायरेक्ट मतलब क्या होता है, ये आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं जो फोन पे आपसे वार्तालाप पे होते हैं, हाँ ठीक है। अगला आ गया आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको छोटे शब्द में कह दी जाती है, उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। कोई भी रिकॉर्ड जो एक या दो शब्द में कह दी जाती है, एक सेंटेंस में कह दी जाती है, उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जैसे कि आप देखते हो कि छोटा बच्चा स्कूल में जब टीचर से लड़ाई करता है तो टीचर क्या करती है, उसकी डायरी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिख देती है। जैसे लिख देगी योर स्टूडेंट फाइट विद मनीष या जिसका भी नाम था, उसका नाम लिख देते हैं। मतलब कहने मतलब छोटे शब्द में कोई भी चीज़ को कह देना, उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। आपने देखा अभी आप लोगों की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डायरी में लिखा रहता है कि बच्चा कभी या नकल करते पकड़ा गया तो टीचर लिख देती है योर स्टूडेंट कॉट इन चीटिंग, ठीक है, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आता है। अगला आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है जिसमें पूरा आपका कच्चा चिट्ठा होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि जो आपके जो एक्टर लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं। मॉडलिंग में क्या होती है, अच्छी अच्छी फोटो इनकी पोर्टफोलियो बनती है, फिर वो आगे जाती है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को, जिसके अकॉर्डिंग वो जो एक्टर होते हैं उनको देखा जाता है कि हाँ सच में ये एक्टर बनने के लायक कि नहीं। इसी अकॉर्डिंग इसमें बच्चों में क्या होता है, बच्चों का पोर्टफोलियो बनता है कि आगे चल के हाँ देखा जाता है बच्चे का पूरा कट्ठा जो चिट्ठा होता है, देखा जाता है हाँ बच्चा ये अच्छा सक्षम है कि नहीं है। जब आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो आपका जो पूरा पोर्टफोलियो हाई स्कूल इंटर्न मार्कशीट जितने हैं सब मार्कशीट संभाल के रखते हैं और इंटरव्यू के समय जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा देखा जाता है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन प्लस आपका पोर्टफोलियो देख के आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि CCA क्या होता है। अगर नहीं समझ आया, मुझे डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे और मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने की फिर से अच्छी तरह से कोशिश करूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।